अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी चाहते हैं कि कोई भी स्टेटस लगाए और वो डिलीट कर दे, बट वो स्टेटस मेरे लिए डिलीट ना हो? जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, इसी व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि कोई भी बंदा हो या बंदी हो, वो अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाता है और व्हाट्सएप स्टेटस डिलीट कर देता है सभी के लिए, तो भी वो मेरे लिए डिलीट नहीं होगा। जी हाँ, कैसे? तो चलिए पहले मैं आपको वो लगा करके बता देता हूँ कि कैसे होता है ये। तो सबसे पहले मैं क्या, यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस में मैं जाऊँगा, यहाँ पर आने के बाद में मैं सिंपली स्टेटस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक स्टेटस लगा दूँगा, अस्सलामुअलैकुम। मैंने स्टेटस लगाया और मैंने सेंड कर दिया। जैसे मैंने स्टेटस सेंड किया, ये स्टेटस लग चुका है। ओके, अब मैं जाऊँगा अपने व्हाट्सएप में, यो व्हाट्सएप। जी हाँ, इसी के फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं स्टेटस में आया, स्टेटस में आने के बाद में मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे देखिए स्टेटस नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टेटस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, जस्ट नाउ, जस्ट अभी मैंने लगाया स्टेटस, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये मैंने स्टेटस लगा दिया है। अब देखिएगा, आपको अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ स्टेटस को, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे बताएगा कि डिलीट दिस स्टेटस अपडेट, इट विल ऑल्सो बी डिलीटेड फॉर एवरीवन हु रिसीव्ड इट। जिसके पास से पहुँच चुका है वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। सिंपली आप डिलीट पर क्लिक कीजिए, यह डिलीट हो जाएगा। व्हाट्सएप स्टेटस अभी डिलीट हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने यो व्हाट्सएप में और यहाँ पर मैं देखता हूँ स्टेटस को। यहाँ पर मैं आया, मैं स्टेटस पर क्लिक करूंगा, तो अभी देखेंगे आपको क्या नजर आएगा। स्टेटस अभी भी मेरे लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको एक निशान नजर आएगा, इसका मतलब है, ये कॉशन का निशान नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि स्टेटस आपके लिए डिलीट हो चुका है, बट डिलीट नहीं हुआ मेरे लिए, बाकी सबके लिए डिलीट हो चुका है। तो इस सेटिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आपको करना क्या होगा इसके लिए, इसके लिए आपको यो व्हाट्सएप डाउनलोड करना होगा और उसे इंस्टॉल करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से यो व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से चेक कीजिए और यो व्हाट्सएप पहले इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ पर आइए और यो व्हाट्सएप आप अपना ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है, थ्री डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, राइट साइड में जो आपको ऊपर में नजर आ रहा है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में आपको नजर आएगा FM मोड्स। सिंपली आपको FM मोड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर के आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर में। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपको नजर आएगा एंटी डिलीट स्टेटस। जी हाँ, एंटी डिलीट स्टेटस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। डिलीटेड स्टेटसेस स्टोरेज विल नॉट बी डिलीटेड फॉर यू, इसको इनेबल कर देना है। इस तरीके से ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन कर देते हैं, उसके बाद में कोई भी स्टेटस डिलीट कर दे, किसी के लिए भी कर दे, बट अगर उसने एक बार स्टेटस लगा लिया और वो अपडेट हो गया, तो वो मेरे लिए स्टेटस डिलीट नहीं होगा, 24 आवर्स के बाद में ही वो डिलीट होगा। जी हाँ, इस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे आप बैक आइएगा, तो बैक आने के बाद में ये रिफ्रेश होगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होने के बाद में आप इसको इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये व्हाट्सएप ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हाँ, इस तरीके को इंप्लीमेंट करके आप अपने दोस्तों को एकदम शॉक कर दीजिए। जी हाँ, मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।